अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसटिव वर्ब एंड इन ट्रांसटिव वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसटिव वर्ब क्या होता है। अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट द मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसटिव वर्ब। तो ये एक ऐसा वर्ब होता है जिसे कम्प्लीट मीनिंग देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसटिव बिकॉज इट पासिस इट्स एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। इसको ट्रांसटिव क्यों कहा जाता है? ट्रांसटिव के मीनिंग होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पास कर जाना है, या जगह चेंज कर लेना या शिफ्ट हो जाना। तो इसको ट्रांसटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो इसमें जो एक्शन होता है, इस वर्ब का जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर जाता है या पास होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास यह एग्ज़ाम्पल है सेंटेंस नंबर वन, द सर्वेंट क्लीन्स द फ्लोर। तो इसमें जो हमारा वर्ब क्लीन्स है ये एक ट्रांसटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब जो एक्शन है, क्लीनिंग का जो एक्शन है, ये सर्वेंट से फ्लोर को शिफ्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका क्या मीनिंग होता है? क्लीन का सफाई करता है, क्लीन्स सफाई करता है। तो इससे हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहे, सफाई करने वाला चाहिए हमें कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, जो कि सर्वेंट है। और क्या चीज़ सफाई कर रहा है? फ्लोर की सफाई कर रहा है। तो इस तरह जो मीनिंग है वो सर्वेंट से इस एक्शन के, सॉरी, ये एक्शन जो है क्लीनिंग का, ये सर्वेंट से फ्लोर को शिफ्ट कर रहा है। यही वजह है कि इसे ट्रांसटिव वर्ब कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड इनट्रांसटिव वर्ब क्या होता है? अ वर्ब दैट डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा वर्ब है जिसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, टू कंप्लीट इट्सेल्फ इज कॉल्ड इनट्रांसटिव वर्ब। जिसे अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, मीन्स टू से कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, एंड इट डजंट पास इट्स एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, और ना ही ये एक्शन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन देखिए, द चिल्ड्रन वीप, बच्चे रोते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं, बच्चे रोते हैं, हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आ गए। तो हमारा जो वीप है यहाँ पे, ये एक इनट्रांसटिव वर्ब है जिसे कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं सेंटेंस में, जबकि इस सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर वन में जो है फ्लोर जो है ये एज ए सब सॉरी ऑब्जेक्ट मौजूद है। इन द सेम वे अगर हम एग्जांपल नंबर टू को देखें, ट्रांसटिव वर्ब की एग्जांपल नंबर टू को देखें, द बॉय किक्स द फुटबॉल। तो जो किक्स जो है ये ट्रांसटिव वर्ब है, द बॉय किक्स। अगर हम सिर्फ इतना कहें कि बॉय, द बॉय किक्स, लड़का ठोकर लगाता है, तो हमें मीनिंग समझ नहीं आ रही कम्प्लीटली। हमें ज़रूरत है एक ऑब्जेक्ट की कि वो किस चीज़ को ठोकर लगा रहा है। दैट इज़ आवर ऑब्जेक्ट इज़ फुटबॉल, द बॉय किक्स द फुटबॉल। तो फुटबॉल यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो किक्स जो है ये एक ट्रांसटिव वर्ब है। एंड हेयर इन इन ट्रांसटिव वर्ब एग्जाम्पल नंबर टू, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वो एक एक्सीडेंट में वफात पा गया। तो यहाँ जो डाइड है ये एक इनट्रांसटिव वर्ब है, ही डाइड। अगर हम इतना भी कहें तो मीनिंग समझ में आ जाते हैं, ही डाइड, वो वफात पा गया। ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं, ना ही इस यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद है। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वो एक हादसे में वफात पा गया। तो इस तरह डाइड जो है ये एक इनट्रांसटिव वर्ब है जी। तो ट्रांसटिव, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए ट्रांसटिव वर्ब की, एग्जाम्पल नंबर थ्री, ही लव्स हिज मदर, वो अपने अम्मी से मोहब्बत करता है। तो यहाँ जो लव्स है ये एक ट्रांसटिव वर्ब है, क्योंकि जो लव करना है इसके लिए एक सब्जेक्ट चाहिए होता है और ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है कि किससे मोहब्बत करता है, ये पता होना ज़रूरी है। तो इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है अपने कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। तो यहाँ इन ट्रांसटिव वर्ब की एग्जाम्पल नंबर थ्री को देखें, तो मैथ्यू रन्स अवे क्विकली, रन्स अवे जो है ये हमारा इनट्रांसटिव वर्ब है, मैथ्यू तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो कहाँ दौड़ता है, किस चीज़ पर दौड़ता है, अगर ये मेंशन नहीं है तो हमें मीनिंग समझ में आ गए। तो
ट्रांसटिव वर्ब की एग्जांपल नंबर 4 को देखेंगे। जॉन थ्रू द बॉल, जॉन ने गेंद फेंकी। तो जो थ्रू है ये एक ट्रांसटिव वर्ब है, क्योंकि जॉन थ्रू, जॉन ने फेंकी, क्या फेंका ये बताना ज़रूरी है, वरना हमें मीनिंग समझ में नहीं आ रहे। थ्रू द बॉल, ये जो बॉल जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ मौजूद है, तो इस तरह थ्रू जो है इसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, तो इस तरह थ्रू जो है एक ट्रांसटिव वर्ब बन जाता है। जबकि अगर हम इन ट्रांसटिव वर्ब की एग्जांपल नंबर 4 की बात करें, दे जंप्ड, तो जंप्ड जो है ये एक इन ट्रांसटिव वर्ब है, दे जंप्ड, वो कूदे, हमें मीनिंग समझ में आ गया, आगे की जरूरत नहीं। तो इस तरह जंप्ड जो है ये एक इन ट्रांसटिव वर्ब है। ट्रांसटिव वर्ब की एग्जांपल नंबर 5 देखें, द लीला कन्वेड द मैसेज, लीला ने मैसेज कन्वे किया या भेजा। तो ये कन्वेड है ये एक ट्रांसटिव वर्ब है, क्या भेजा ये बता होना ज़रूरी है, मैसेज। तो यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसे अपने कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी। इस तरह जो कन्वेड है ये एक ट्रांसटिव वर्ब बन जाता है। इन द सेम वे अगर इन ट्रांसटिव वर्ब की तरफ की एग्जांपल नंबर 5 को देखें, द डॉग रैन, कुत्ता दौड़ा, मीनिंग हमें समझ में आ गए। तो रैन जो है ये एक इन ट्रांसटिव वर्ब है, इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, और ना ही इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसी तरह इन ट्रांसटिव वर्ब की एग्जांपल नंबर 6 को देखिए, अ लाइट वॉज शाइनिंग, एक बिजली चमक रही थी, मीनिंग हमें समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो शाइनिंग जो है एक इन ट्रांसटिव वर्ब है, इसे अपने मीनिंग कंप्लीट देने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। आई होप आपको ट्रांसटिव वर्ब एंड इन ट्रांसटिव वर्ब की समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई या किसी बात ने आपको कन्फ्यूज किया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।